ऑक्सीजन लाओ। सकते हैं और करते हैं कि इन लोगों ने भरपूर इनका तावन दिया, जितने इनके सफाई कर्मी थे और जितने लोग थे इन लोगों ने भी काम किया है। लिहाजा आपसे बहुत दबाना आज इजाजा गुजारिश है, इनको भारी अपील से जिताए। यही शुक्रिया के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। बात तो गलत है, इलेक्शन बहुत बहुत शुक्रिया। का कोई हाल नहीं था, अभी 5 साल के अंदर में आप लोग बहुत सारे काम देखे, लेकिन ये रोड बन गया, पुणे का अंबार। नहीं हो जाएगा। नमस्कार आदाब, टीम लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अभी सब्जी बाग चौराहा पे हैं, जहाँ पे वार्ड 40 के कैंडिडेट अफसर अहमद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये वार्ड 40 काफी माने रखता है, तो आप क्या क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा पहले से था और आज भी है और आगे भी रहेगा कि गंदगी रोड पे दिखनी नहीं चाहिए। कोई भी नाला खुला हुआ नहीं होना चाहिए, सारा बंद भूगर्भ। दो, तीसरा सबसे बड़ा अभी मुद्दा मैं बनाने जा रहा हूँ कि कोई भी गली टूटी फूटी भी क्षतिग्रस्त नहीं रहनी चाहिए। सारा मरम्मत सब चीज़ जहाँ नया बनाना है वो कर दें। स्कूल राजकीय विद्यालय है उसको कंप्लीट करा दें दर्दी टोला में। और यहाँ पे नगर निगम की बहुत बड़ी ज़मीन है, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और कर रहे हैं इंशाल्लाह। और यकीन है कि आप हैं तो फिर कोशिश का काम। पिछली बार कोरोना की वजह से बहुत हैम्पर हुआ ना, तो कोशिश में थोड़ा धीमापन आया। कोशिश तो पिछली बार भी किया मैंने, कामयाबी भी मिली है मुझे, ये जग जाहिर है। इसलिए कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ पे मार्केट बना करके और जितने भी बेरोजगार हमारे यहाँ जो ज़रूरतमंद हैं सबको दुकान दिला करके अपना बिजनेस करिए वहाँ पे। थैंक यू। इनका कहना है कि वक्त मिलेगा फिर से काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जीत का ताज किसको मिलेगा। ATN लाइव, अकरम अली, पटना।